नमस्कार। मुख्यालय के मेरे समस्त साथी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और मंडलों से आए हुए समस्त अधिकारी और कर्मचारी साथियों, आप सबका इस संरक्षा सेमिनार में स्वागत है। संरक्षा का स्थान रेलवे के कार्यप्रणाली में सदैव सर्वोपरि रहना चाहिए, किंतु जैसा मेरे से पहले आए हुए वक्ताओं ने बोला कि पिछले कुछ समय से भारतीय रेल पर दुर्घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि दक्षिण पूर्व रेलवे में स्थिति संतोषप्रद है, किंतु हम इसे संतोष का विषय मानकर बैठे नहीं रह सकते हैं। हमें शून्य दुर्घटना के उद्देश्य को सामने रखकर कार्य करना है। वर्ष 2016-17 में अभी तक हमारी रेलवे पर दो कंसिक्वेंशियल दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें से एक दिनांक 11 सितंबर 2016 को रांची मंडल पर यूटीवी मशीन के रोल डाउन होकर मालगाड़ी से टकराने के कारण से हुई, जिसमें हमारे दो रेल कर्मियों की मृत्यु हुई एवं दो अन्य को चोट पहुंची। इसी प्रकार उसी दिन आद्रा मंडल पर एक मानव रहित लेवल क्रॉसिंग पर 63596 आसनगांव आद्रा पैसेंजर ट्रेन मारुति वैगन कार से टकराई। इसके अलावा बहुत सारे नॉन कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स भी हैं और हमें उन्हें भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक सिग्नल हैं आने वाले भविष्य में आने वाली बड़ी दुर्घटना के। तो अगर हम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं निप इन द बड, अगर हम उन्हीं पर कंट्रोल कर लें तो संभव है कि हम किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना को भी रोकने में सक्षम रहेंगे। इसी प्रकार भारतीय रेल पर भी कुछ भीषण दुर्घटनाएं हुई, जिनमें काफ़ी मात्रा में जानमाल की हानि हुई और जिसकी वजह से भारतीय रेल काफ़ी आलोचना का विषय बना। संरक्षा की इस बिगड़ती हुई परिस्थिति को देखते हुए माननीय रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर संरक्षा को सुधारने हेतु विशेष जोर दिया जाता रहा है और इसी क्रम में 5 जनवरी से 5 फरवरी 2017 तक संरक्षा जागरूकता अभियान सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन की घोषणा की गई है। और इसी अभियान के दौरान संरक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाना अपेक्षित है, जैसे कि वनरेबल क्षेत्रों में खास ध्यान देना, इंस्पेक्शन शेड्यूल और उनका अनुपालन, कौरे संबंधी जानकारियां, सावधानियां, उच्च अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण, वर्कशॉप और वर्क प्लेसेस का प्रमुख विभागाध्यक्षों द्वारा निरीक्षण, रात्रिकालीन इंस्पेक्शन सभी खंडों पर, साप्ताहिक संरक्षा बैठक, दुर्घटना संबंधित जांचों की मॉनिटरिंग, सेफ्टी सेमिनार्स, ट्रेनिंग व स्वास्थ्य परीक्षण, मासिक सेफ्टी बुलेटिन जारी करना, रनिंग स्टाफ का कैटेगराइजेशन एवं काउंसलिंग इत्यादि है। इसी श्रृंखला में बोर्ड ने यह निर्देश दिया है कि 15 जनवरी 2017 को सभी जोन के मुख्यालयों पर संरक्षा संवाद का आयोजन किया जाना है। यदि हम किसी भी दुर्घटना की तरह में जाएं, तो हम पाएंगे कि कोई भी दुर्घटना किसी एक कारण से नहीं होती है और अधिकतर दुर्घटनाएं दो या अधिक असावधानी अथवा चूकों की वजह से होती है। अतः हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हम सब अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता रखें और किसी भी प्रकार की कमी अथवा शॉर्टकट से ना अपनाएं। शेड्यूल निरीक्षणों को निर्धारित फ्रीक्वेंसी पर सुनिश्चित करें और गहनता से निरीक्षण करते हुए सिस्टम में मौजूद त्रुटियों को उजागर कर उन्हें समय रहते दूर करें। हमें अपने सेफ्टी स्टाफ को जागरूक और सक्षम बनाने की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ कार्य प्रणाली को यथासंभव ऑटोमेटेड करने की भी आवश्यकता है, जिससे कि हम मानव त्रुटियों का एलिमिनेशन कर सकें। हम सबको अपने और दूसरों की भूलों से सीखना चाहिए तथा हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम इस प्रकार की भूल की पुनरावृत्ति न होने दें। यदि हम इस दिशा में सतत प्रयास करते हैं
तो हम रेलवे प्रणाली में सुनिश्चित रूप से एक अच्छा सुधार लाने में सफल रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस संवाद के माध्यम से संरक्षा का सर्वोच्च स्थान है और उसमें किसी भूल की कोई गुंजाइश नहीं है के संदेश को आगे ले जाएंगे और प्रत्येक रेलकर्मी तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।